Hi guys, welcome back to my vlog. Today I will share with you 5 things you must do at your home to bring positivity all around you, your environment and amongst your family. Number 1, focus on sunlight. Guys, जब भी आप घर बना रहे हो, याद रखना, you should allow sunlight to play at your home. जब सुबह आप नींद से उठेंगे तो घर का जो कर्टन है वो इतना ब्रॉड वे से ओपन कीजिए कि घर पे बहुत ही ज़्यादा सनलाइट आए. गाइस, सनराइज के टाइम जो सनलाइट आते हैं, इट नॉट ओनली किल्स द बैक्टीरिया बट ऑल्सो ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एट योर होम. वी ऑल नो अबाउट चाइनीज फेंग शुई. उसमें भी लिखा हुआ है जिस घर पे बहुत अमाउंट में सनलाइट प्ले करता है उस घर पे ऑलवेज हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस एंड पॉजिटिविटी विराज करते हैं. सो यू मस्ट अलाउ सनलाइट एट योर होम इन अ वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी. नंबर 2, इनकॉर्पोरेट हाउस प्लांट्स और फ्लावर्स. गाइस, हमको पता है कि फ्लावर्स एंड प्लांट्स घर के बाहर प्लांट किया जाता है, बट ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो इंडोर भी प्लांट कर सकते हैं हम, और बिना सनलाइट के वो जी सकते हैं इवन इन डार्क प्लेसेस, लाइक स्नेक प्लांट, सक्यूलेंट एंड एक्सेट्रा. It will not only increase the decorum of your home, it will also increase a lot of positivity in your room. Especially जिनके घर पे patients हैं, जिनके हालत ठीक नहीं है, जो mentally disabled रहते हैं, plants increases a lot of positivity around us and it also helps to enhance the mental and physical state of the ill or abled person. Number 3. बर्ड फीडिंग. नाउ गाइस, जब हम पंजाब में थे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाए हुए हैं कि हम छत पे बर्ड फीडिंग करते थे. अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आवर ओल्ड व्लॉग. गाइस, इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर हेल्थ एंड वेल्थ तो बर्ड फीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लाते हैं घर पे. अगर आपके घर के बाहर जगह नहीं है तो प्लीज़ कीप 2 बाउल्स ऑन योर रूफ. एक में आप अपने घर के जो एक्स्ट्रा खाना है, जो आप फेंक देते हैं, जो आप खाते नहीं हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो रखिएगा, एंड दूसरे में कीप वाटर टू हेल्प द बर्ड्स टू लीव. इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स एंड पॉजिटिविटी एट योर होम. नंबर 4, गाइस, ये आप सबको पता है, एंड डिस्क्लेमर, जिनको नहीं पसंद है, जिनको नहीं करना है, उनके मैटर अलग है, बट प्लेइंग डिवाइन म्यूजिक, चैंटिंग एट होम्स, मंत्रस जप करना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है. इनफैक्ट देयर यूज़ टू बी अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा लड़ती थी. आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल एंड मैंने भी इस प्रैक्टिस को अपनाया है. आई स्टार्टेड डूइंग पार्ट्स, चैंटिंग मंत्रास, एंड आफ्टर दैट आई रियली फेल्ट अ लॉट पीस इन माय हार्ट. तो अगर आपके घर पे अशांति है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, अगर आपके घर पे लड़ाई झगड़ा है, प्लीज़ ट्राई टू प्ले म्यूज़िक. अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूज़िक चला दीजिए, साउंड सिस्टम में चलाइए. ट्राई टू चैंट मोर एंड मोर मंत्रास. Try to play divine music, try to take the name of God. Number 5, put up beautiful pictures and quotes at your home. Guys, आप अपने घर के दीवार पे बहुत सारी beautiful quotes के pictures लगा सकते हैं, like love, live, dream, work, do, work. It will increase a lot of positive vibes in your mental state and it will help you to work, to walk, to stay healthy. क्योंकि जितना आप उस चीज़ को देखोगे, you will try to motivate yourself and आपके back of the mind, in the subconscious mind, it will go on. इसीलिए according to the Vastu tip, it is said that you must keep positive quotes at your home so that you can see it and bring positivity all around yourself.
So I hope that this tips helps you to boost up your energy, your mental health, physical health, the condition in your home and in your environment. I have started practicing this at my home. I hope that you also do this and bring all the positive booster at your home. Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you all in our next vlog. Till then, have a nice time. Take care and bye-bye.